ना लीग ना प्लेऑफ, अब फाइनल की है लड़ाई। चार बार की चैंपियन मुंबई से दिल्ली की होगी टक्कर। तेरह साल में पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली। धवन स्टोइनिस रबाडा खत्म करेंगे दिल्ली का सूखा। या रोहित बुमराह पांड्या मुंबई को एक बार फिर बनाएंगे चैंपियन। क्या एक बार फिर मुंबई इंडियंस आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करेगी या फिर दिल्ली का 13 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होगा? इसका जवाब हमें कल मिलेगा। क्रिकेट धमाका में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा और सिद्धार्थ वर्मा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला। कल आईपीएल सीजन 13 का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाना है, तो सिद्धार्थ मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि किस टीम का पलड़ा भारी है और क्यों? देखिए, कल फाइनल के मुकाबले में मुंबई का पलड़ा जरूर भारी है, पर जैसे यशपाल सर कह रहे हैं लगातार कि दिल्ली को जीतना चाहिए, तो कल एक चीज तो जरूर होगी कि ब्लू टीम जीतेगी। अब वो यशपाल सर वाली जीतेगी या दूसरी जीतेगी देखने वाली बात है। मुंबई पांचवी बार जीतेगी अगर ऐसा होता है तो जी। पर एक एज ए क्रिकेटर और शायद दिल्ली ने लगातार 13 साल में पैचेस में बड़ा अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दिए, कई बार उन्होंने लीग टेबल में टॉप भी किया है, तो सबका मन है, मुझे लगता है कई क्रिकेटर्स का मन है कि दिल्ली इस बार पहली बार खिताब जीते। जी अच्छा यशपाल जी, ये तो फॉर श्योर है कि नीली जर्सी वाली टीम जीतेगी। अब आपको क्या लगता है कि जो 13 साल का सूखा था दिल्ली का वो खत्म होगा? देखिए, होना चाहिए। एक सपना मैंने शुरू से देखा है। देखिए, हम सभी लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही कह रहा था, हम सभी लोग ये जोर लगा रहे थे किंग्स इलेवन पहुँच जाए प्लेऑफ में, फिर वो आगे मेहनत करके पहुँच जाए, क्योंकि वो कभी नहीं जीती है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए हम दुआ कर रहे थे, देखिए वो दो नंबर पर पहुँची प्लेऑफ में। तो मैंने एक सपना देखा है, मुझे मालूम है कागज़ पर देखेंगे कि कोई सानी नहीं है मुंबई इंडियंस की टीम का, क्योंकि जिस तरह की वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उच्च कोटि के गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी हैं वो बहुत बड़ी है, बहुत शक्तिशाली मध्यक्रम है बल्लेबाजी में। लेकिन मैंने वो जो सपना देखा है कि ये पहले ही हो जाता, अगर हारना होता तो दिल्ली कैपिटल्स को पहले ही हार हो जाती। ये जो वापस आए हैं, प्ले ऑफ में दो नंबर पर थी, मेरा सपना है कि अब ये एक नंबर की टीम बने। चलिए, अब यशपाल जी ने तो बता दिया कि उनका क्या सपना है। वैभव, आपने भी दिल्ली या मुंबई को लेकर कोई सपना देखा है इस आईपीएल? देखिए, अभी तक तो मैं काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल रहा हूँ इस सीज़न में, हालांकि मैं किंग्स इलेवन पंजाब को ज़रूर सपोर्ट कर रहा था, लेकिन कल जिस तरीके से आपने और यशपाल जी ने जब हैदराबाद हारी तो आप लोगों ने मुझे ऑड वन आउट कर दिया, तो अब मेरा भी सपोर्ट मुंबई इंडियंस को रहने वाला है। आप लोग करिए दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट, तो मैं करने वाला मुंबई इंडियंस को सपोर्ट, क्योंकि चार बार की चैंपियन रह चुकी है मुंबई इंडियंस, और इस सीज़न में जिस तरीके से मुंबई इंडियंस खेलती आई है ना, तो वो दिखा रहा है कि ये चैंपियन टीम है। और जिस तरीके से पहला क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली को वन साइडेड मैच में मुंबई ने हराया, तो बहुत मुश्किल होने वाली दिल्ली कैपिटल्स के लिए। कल का मुकाबला भी अगर हम कहें तो आप बहुत ही 190 रन बनाने के बाद ही बहुत क्लोज मैच जीते। कल आपको एक बड़ा मैच जीतना चाहिए था जिससे मुंबई इंडियंस के खेमे में भी खलबली होती कि हाँ, दिल्ली एक बहुत मजबूत टीम हो गई है। लेकिन कल भी थोड़ी सी कमियां देखने को मिली, और मुंबई एक ऐसी टीम है कि जब अगर आप उनके सामने कमी करेंगे तो फिर वो आपको मौका नहीं देंगे दोबारा भी कमबैक करने के लिए। तो मेरा सपोर्ट अब मुंबई इंडियंस के लिए है। जो हमने आपको स्टीरियोटाइप नहीं किया है, ना ही पंजाब के लिए ना ही हैदराबाद के लिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। सिद्धार्थ, मेरा सवाल आपसे ये है कि वैभव ने बहुत अच्छे पॉइंट रेज किए हैं कि दिल्ली कल मैच जरूर जीती है, लेकिन परफॉर्मेंस में दिल्ली की कमी जरूर रह गई, और दिल्ली को ये याद रखना चाहिए कि चार बार की चैंपियन है मुंबई, जिससे कल उसका फिनाले का मुकाबला होगा। तो आप क्या बदलाव देख रहे हैं दिल्ली में कल? देखिए, कल का जो मैच हुआ, जो दिल्ली जीती है एसआरएच से, मुझे नहीं लगता कि वो वन साइडेड मुकाबला होने वाला था। जो दिल्ली जीती है वो ऐसा ही सेमीफाइनल की तरह है और एलिमिनेटर की तरह ही मैच होना था, और वैसा ही हुआ। हैदराबाद बिल्कुल हल्की टीम नहीं है, एक्चुअली भारी टीम थी दिल्ली से, पर वही दिल्ली जो ओपनिंग स्टैंड पे बड़ा निर्भर करती है। अगर जैसे हमने दिल्ली की टीम ने कल स्टोइनिस को ओपन कराया,
बिग बैश लीग में जो ऑस्ट्रेलिया की आई पी टी ट्वेंटी लीग है वहाँ पे भी स्टॉइनिस ओपन करते हैं और वहाँ उनका रिकॉर्ड अच्छा है। कल उन्होंने अपने आप को अच्छे रन बना के शुरुआत दे के दिल्ली को जिताया। अगर कल भी ऐसा ही होता है, कल अगर दिल्ली टॉस जीतती है, पहले बैटिंग करती है, ओपनिंग स्टैंड अच्छा होता है, तो दिल्ली के जीतने के चांस सबसे अधिक हैं, और चेज करती है तो दिल्ली को जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा यशपाल जी, श्रेयस अय्यर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिल्ली के कप्तान हैं, और एक जो चीज़ हमने इस आईपीएल सीज़न में देखी है, किंग खान ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, टीम हार गई, विराट कोहली ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, टीम हार गई। मैं सिर्फ इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आपसे पूछ रही हूँ, अगर श्रेयस अय्यर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और टीम हार गई तो? देखिए, ये कल किसी ने नहीं देखी, पर मुझे लगता है कि एक बहुत सुनहरा मौका है श्रेयस अय्यर की जो आपने बात किया। एक तो एक कप्तानी पारी खेले और एक कप्तानी जो अभी तक अच्छी करते आए हैं। देखिए, ये भविष्य के खिलाड़ी हैं, स्थायी जगह बना चुके हैं भारतीय टीम में, श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, तो इनकी कप्तानी अच्छी हो रही है। ये भी रेस में है कि श्रेयस अय्यर की जो सोच है टीम को कैसे साथ लेके चलना है, वो एक अच्छा संकेत है। तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर के लिए बहुत बड़ा दिन है कि वो कप्तानी भी अच्छी करें और एक कप्तानी पारी खेले, ताकि दिखा सके कि वो एक जब बड़ी क्रिकेट आती है तो उसमें वो दबाव में नहीं आते। वैभव, ऐसी कप्तानी पारी क्या कल रोहित शर्मा की तरफ से भी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, जो अगर हम बात करें रोहित शर्मा के लिए ना, ये सीजन बतौर कप्तान हम कह सकते हैं बहुत अच्छा गया, लेकिन बतौर बल्लेबाज रोहित इस सीजन को याद नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत के 4 मैचों में उन्होंने 2 अर्धशतक जड़े थे, उसके बाद वो चोटिल हो गए, और बीच में जितने भी मैचेस रहे उसमें हमने रोहित शर्मा के बल्ले से एक भी बड़ी पारी नहीं देखी। देखिए, आज एक डिसीजन आया सिलेक्शन कमेटी का कि उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सिर्फ टेस्ट सीरीज में मौका मिला है, वनडे और टी20 का वो वहां पर भी हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। तो कल एक मैच है रोहित शर्मा के पास कि जो आगे ऑस्ट्रेलिया दौरा है उससे पहले एक बड़ी पारी खेलें, मुंबई इंडियंस को जीत दिलाएं और सेलेक्टर्स को भी बताएं कि मैं पूरी तरीके से फिट हूं। और एक मौका है रोहित शर्मा के पास, क्योंकि आगे का जो दौरा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल भी जीतना चाहेंगे और अपनी जो फॉर्म है उसको जरूर बरकरार रखना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद उनके पास कोई ऐसा मैच नहीं मिलेगा कि जब भी वो टेस्ट सीरीज से पहले कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव मैच उनको नहीं मिलेगा। तो कल इंपॉर्टेंट मैच है कप्तान रोहित शर्मा के लिए बतौर बल्लेबाज। जी, बतौर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा के लिए कल एक बेहद अहम मुकाबला है सिद्धार्थ। वहीं दुबई में कल ये मैच खेला जाएगा, फिनाले मैच, और अगर मैं पिछला रिकॉर्ड देखूं मुंबई बनाम दिल्ली का, तो दिल्ली का प्रदर्शन कुछ लास्ट मैच में मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वालिफायर तक कुछ अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा मार्जिन से वो टीम हारी है, तो एक साइकोलॉजिकल बढ़त जरूर मुंबई के पास होगी। तो आपको क्या लगता है कौन से वो खिलाड़ी हैं जो कल दिल्ली के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं? देखिए, जैसा फॉर्म चल रही है, एक बड़ी कमाल का आंकड़ा, कमाल की बात है कि पूरे मुंबई की बैटिंग लाइनअप में रोहित शर्मा इस समय पे सबसे कमज़ोर बैट्समैन लग रहे हैं। मतलब रोहित शर्मा को अपने आप को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, पर इस समय पर जो करंट फॉर्म चल रही है, रोहित शर्मा पूरे बैटिंग लाइनअप में सबसे कमज़ोर लग रहे हैं। और जैसे ईशान किशन की फॉर्म है, पांड्या ब्रदर्स की फॉर्म है, उस हिसाब से मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव एक मैच विनर हैं। हमेशा लगातार कई सालों से मुंबई को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालते आए हैं, तो मुझे लगता है ये सब लोग कल तंग करने वाले हैं, और बुमराह तो है ही उनके पास जो कभी भी एक विकेट गिरा सकते हैं। हाँ, और तंग करने में कोई कमी छोड़ते नहीं है। चलिए, अब बात उन खिलाड़ियों की कर लेते हैं जो कल के मुकाबले के एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शिमरॉन हिटमायर एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इनका क्रेडिट है 8 पॉइंट्स। क्वालिफायर जैसे अहम मुकाबले में हिटमायर ने हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 22 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली और दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मिडिल ऑर्डर में हिटमायर बेहद ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, एक बार वो क्रीज पर सेट हो जाए तो आउट करना मुश्किल हो जाता है। वहीं दिल्ली के एक और खिलाड़ी हैं जो एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, ये हैं आर अश्विन। इनका क्रेडिट है 8.5। अश्विन ने 14 मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं। विकेट लेने के लिहाज से अश्विन दिल्ली के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। पिछली बार जब मुंबई में दिल्ली भिड़ी, मुंबई से दिल्ली की जो भिड़ंत हुई थी, तो अश्विन ने रोहित शर्मा का खाता भी नहीं खुलने दिया था। उन्होंने उस मैच में 3 विकेट झटके थे दिल्ली की टीम को। फाइनल में अश्विन से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं मुंबई की तरफ से नेथन कुल्टर-नाइल एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और इनका जो क्रेडिट पॉइंट है वो है 8। बोल्ट और बुमराह मुंबई को टॉप ऑर्डर में विकेट दिलाते हैं, तो वहीं कुल्टर-नाइल यही काम मिडिल ऑर्डर के लिए करते हैं। वैसे उन्होंने अभी तक अपने नाम के मुताबिक गेंदबाजी नहीं की है। कुल्टर-नाइल ने इस सीजन 6 ही मैच खेले हैं जहां उन्होंने सिर्फ 3 विकेट लिए हैं। यशपाल जी, कुल्टर-नाइल की बात कर लेते हैं, बहुत सारे मैचेस में तो हमने इन्हें देखा भी नहीं, लेकिन अगर ये कल खेलते हैं तो वो जो मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं वो जरूर सफलता दिलाएंगे।
कोर्टन लाइल की जो आपने बात की है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, अभी तक उनका बेस्ट नहीं आया है। जब भी वो खेले हैं तो उन्होंने मायूस किया है, ये कमज़ोर कड़ी दिखती है। तो ये फाइनल मैच में अगर वो खेलते हैं तो उनको ये प्रूव करना होगा कि क्यों उनको बार बार खिलाया जा रहा है। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से वो कमज़ोर कड़ी है मुंबई इंडियंस की तरफ से। अब बुमराह की बात करें, बोल्ड की बात करें, बहुत कमाल की गेंदबाजी हो रही है, लेकिन ये जो कमज़ोर कड़ी है इसको साबित करना होगा फाइनल में अगर वो खेलते हैं। वैभव, वहीं दिल्ली के दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो ये जरूर मुंबई के लिए परेशानी बन सकते हैं, लेकिन दिल्ली को ये ध्यान रखना होगा कि ये उनके पास आखिरी मौका है। देखिए जोसा, मैं आर अश्विन की सबसे पहले बात करना चाहूंगा। पहला मैच उनका बहुत ही शानदार रहा था जो उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इस सीजन में खेला। उसी पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट अपने खाते में लिए थे, लेकिन उसके बाद उनको उस मैच में चोट लग गई। 2-3 मैचेस के लिए आर अश्विन को आराम दिया गया। हालांकि पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने रोहित शर्मा को जिस तरीके से आपने बताया कि डक पर आउट किया था, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था जब से कमबैक हुई है बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन अश्विन जरूर चाहेंगे कि अपना जो परफॉर्मेंस है कल एक टॉप परफॉर्मेंस अपना दिखाएं। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं तो बड़े खिलाड़ी से बड़े मैच में हम अच्छे प्रदर्शन की हमेशा उम्मीद करते हैं। तो एक कल बड़ा मैच है और आर अश्विन थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहे हैं सीजन में। और अगर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला दिल्ली के बल्लेबाजों और गेंदबाजों की तरफ से तो दिल्ली इतिहास जरूर रचेगी। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, यशपाल जी, सिद्धार्थ, वैभव। इसी के साथ क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही, कल शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी क्योंकि कल है फाइनल मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच, और इस जंग के प्रीव्यू के साथ हम 7 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बताएंगे कश्मीर में आतंकियों की एक बड़ी साजिश को सेना ने कैसे किया बेनकाब।